छापा लखनऊ से बड़ी खबर, बलरामपुर अस्पताल में डिप्टी सीएम ने छापेमारी की है, तो औचक निरीक्षण किया। बिना सूचना बलरामपुर अस्पताल पहुंचे ब्रजेश पाठक और अस्पताल में मौजूद मरीजों से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो मरीजों और तीमारदारों से मिलकर के वास्तविक स्थिति जानी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल की, जहां पर ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया। तो बलरामपुर अस्पताल में छापा मारा, वो भी औचक, किसी को बिना जानकारी दिए पूर्व और वहां पर असल हकीकत जानी वहां पर। अब देखिए ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे उस वक्त की, जहां पर जायजा लिया ऑफिस में भी कि दवाओं के किस तरीके के वहां पर इंतजाम है। तो ये औचक निरीक्षण जो अचानक जब पहुंचते हैं डिप्टी सीएम वहां पर, पूरे अस्पताल में पहुंचते भगदड़ सी मच जाती है और अधिकारी वहां पर जो है और मरीजों से भी बात करते हैं, उनके तीमारदारों से भी बात करते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उनको कितना उनको लाभ मिल रहा है। तो इमरजेंसी वार्ड भी पहुंचे हैं और मेडिसिन वार्ड भी वहां पर पहुंचे हैं, डॉक्टर्स उनके साथ हैं। तो बलरामपुर अस्पताल में डिप्टी सीएम पहुंचे, औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण से तात्पर्य जब वास्तविक स्थिति है, जब वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए कि अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम है, इसीलिए शायद औचक निरीक्षण किया पहले से नहीं, क्योंकि पहले से अगर पता होता तो व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाती हैं। लेकिन एक एक चीज को वो वहां पर देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं और साथ ही साथ निर्देश भी कर रहे हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए। तो बलरामपुर अस्पताल में सुनिए, देखिए आपकी जिम्मेदारी पूरा अस्पताल पर इसे साफ कर देते हैं, और ये आप देखो अगर नहीं होगा तो फिर हम लिख देंगे कि आप रहने लायक नहीं हो अस्पताल में, ये ठीक बात नहीं है। दोबारा भविष्य में आज हम आए हैं अचानक केवल देखने के लिए, पूरे अस्पताल को अभियान चला के साफ करो, दोबारा अगर होगा तो फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है। ये भी आपकी जिम्मेदारी में आता साफ करना, आता है देखो हाथ लगाओ, देखो हम कब से नहीं जाओ, कितना कुछ कितने तुम एक दिन बता दें, हम बहुत फोन कर रहे हैं बलरामपुर अस्पताल कर, देखिए मान लिया, लेकिन जब तक लगा है इन्होंने सफाई नहीं की ना, ये मेरा कहेंगे कहाँ है इनके सुपरवाइजर, इस सब का पेमेंट आप ही को जा रहा है, ये अस्पताल में काम है, इसका ढक्कन डॉक्टर लगवाओ, तो निकले हुए ना सब, ये सब लगवा प्रॉपर, ठीक है ना, अस्पताल जैसा दिखना चाहिए। ये कंप्यूटर अपने भी आए थे, किसके कंप्यूटर, किसकी जिम्मेदारी है इसको चलाने की, रख रखाव करने की, जैसे कोई परमानेंट काम है, इसको सब प्रॉपर तार तहा के साफ करके लगाओ, एक एक चीज साफ होना चाहिए, दोबारा फिर आए रिपेयरिंग के लिए बोल दो एक बार फिर बात करेंगे कानपुर की खबर की, जहां पर कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग।